मैं लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, बेसिक गेट। इसमें क्या आता है, और एंड नॉट, तीन आते हैं। यूनिवर्सल गेट, ये जो है बेसिक गेट का फॉर्मेशन होता है, तभी यूनिवर्सल गेट का बनते हैं। जैसे नैंड गेट में क्या होता है, एंड और नॉट का फॉर्मेशन होता है, और गेट में क्या होता है, नॉर गेट में होता है और नॉट का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये बन जाएंगे। स्पेशल गेट, इसमें क्या होता है, इसमें एस और का फॉर्मेशन होता है, नॉर का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पेशल गेट बनते हैं। बाइनरी में 0 2 1, 0 और 1 दो ही वैल्यूज होती हैं। जैसे हाई वोल्टेज 1 होती है, तो 1 के लिए हम हाई वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज कितनी 0 होती है, इसके लिए हम 0.2 वोल्टेज होती है। और गेट, जो और गेट होता है मेरा, वो कम्यूटेटिव ला एंड एसोसिएटिव ला दोनों के लिए फॉलो करता है, दोनों के लिए फॉलो करेगा, ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ला। जैसे मैंने डायग्राम और गेट का मैंने सिंबल लिया, ए और बी दो इनपुट दिए हैं, बाय आउटपुट में तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। यहाँ मैंने बी और ए दो इनपुट लिए, इनपुट मैंने चेंज कर दिए हैं, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, बी प्लस ए। क्योंकि क्या होता है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। दोनों वैल्यू क्या होती हैं, दोनों वैल्यू सेम होती हैं मेरी। अब मैं और गेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने दो इनपुट ले लिए हैं, ए और बी इनपुट ले लिया, बाय यहाँ आउटपुट ले लिया है। जैसे बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा बाय इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसकी मैं ट्रुथ टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ दोनों इनपुट क्या दिए, यहाँ भी 0 दिया, यहाँ भी 0 के मैंने दिया हुआ है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा 0 मिलेगा। अब जैसे यहाँ मैंने 0, ए के लिए मैंने क्या लिया, 0 लिया, बी के लिए 1 मिला लिया। जैसे ही मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। अब मैंने आउटपुट आउटपुट क्या लिया, इनपुट मैंने लिया है, यहाँ पे ए के लिए 1 लिया, इसके लिए 0 लिया। जैसे यहाँ आ जाएगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब दोनों इनपुट मैंने क्या ले लिए हैं, दोनों इनपुट मैंने 1 ले लिए हैं, तो मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट मुझे मिल जाएगा 1 मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, वैल्यू मेली होती है, ऐड करने पे आता है 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ लेते हैं। ओके, अब सर्किट डायग्राम से मैं इसके लिए एक्सप्लेन करूँगा, ये टेबल के लिए वेरीफाई करूँगा ये वैल्यू सही है नहीं है। इसके लिए मैंने बैटरी ले ली है, और दो मैंने ये भी दो मैंने इनपुट ले लिए हैं, यहाँ मैंने बल्ब के लिए लगा दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या दिया, मैंने यहाँ पे मैंने 0 दिया, यहाँ 0 की मैंने दिया हुआ है, तो क्या LED बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा ना। जैसे यहाँ मैंने बंद दिया हुआ बैटरी कनेक्शन है, जैसे ही मैंने यहाँ बंद दिया हुआ, जैसे मैं इसके लिए ऑन करूँगा, एक के लिए ऑन हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ से पावर सप्लाई मिलेगी, ये बल्ब जलने लगेगा, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। सेकेंड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन, इसके लिए मैंने बी के लिए क्या रखा है, ये तो हो गया, दिया वाला देख लो। इसके लिए मैंने क्या, 0, ए के लिए 0 हुआ, बी के लिए मैंने 1 रखा है। जैसे क्या हुआ, अब बी 1 है, तो क्या हुआ, बी 1 है, ये तो यहाँ से पावर सप्लाई मिलेगी, बल्ब जलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा। अब मैंने दोनों के लिए वैल्यू 1 है, दोनों क्या हुआ, दोनों से करंट मुझे फ्लो हुआ, एलईडी बल्ब जलेगा, तो ये मेरी टेबल वेरीफाई हो गई। अब मैंने ओनली पहले दो टर्मिनल ए इनपुट लिए, तब मैं तीन इनपुट लेता हूँ, ए बी सी, तो मुझे इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा बाय इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, पहले क्या, तीनों 0 हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ ये दो 0 हैं, ये 1 है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये क्या है, ए 0 है, बी 0 है, क्या मिलेगा मुझे, ए 1 है, यहाँ बी 1 है, तो क्या, 1 मिलेगा। ए 0, ये दोनों 1 है, तब भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कहने का रीजन ये है, कोई भी इनपुट मेरा 1 होगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ये हम टेबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब मुझे इनपुट कितने, यहाँ पे इनपुट मेरे यहाँ पे हैं कितने, 3 इनपुट में, तो कितना आ जाएगा, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसके लिए बनाने का आसान सबसे, इसके लिए 4 जीरो ले लो, 2 बन ले, 4 बन ले लो, 2 जीरो ले लो, 2 बन ले लो, ऐसे बनाते जाओ, 1 जीरो आसानी से टेबल बन जाएगा। अब देखो मैं फॉर एन इनपुट, अगर इसमें मैंने एन इनपुट के लिए ज्वाइंट कर दिया तो मेरा बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो मेरा बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा बाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट 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 एन, एन तक हो जाएगा। अब डायोड सर्किट क्या होता है, इसमें मैंने क्या, इसके लिए मैंने ग्राउंड कर दिया है, मैंने डायोड डी वन ले लिया, डी टू ले लिया, ये होता है, ये हमारा पी होता है, ये मेरा एन होता है, ये पी इंटरनल डायोड हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। पी वाला ऑलवेज फॉरवर्ड वाइड होता होता है, प्लस होता है, एन वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मैंने ये यहाँ पे एल एल ले लिया, इसे मैंने ग्राउंड कर दिया, इसका डायोड सर्किट ये हो गया। अब मैंने पहला केस लिया है, मैंने यहाँ पे ए इनपुट ले लिया और बी वाला क्या ले लिया, मैंने जीरो मान लिया, जीरो ले लिया, तो क्या मिलेगा, बाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, ए मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये इट इज इनेबल सर्किट, सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट जो भी है इनेबल हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, मैंने इसे ए ले लिया, इसके लिए मैंने बी ले लिया, तो बाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, वन प्लस ए, और वन प्लस ए कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन प्लस ए कितना हुआ, वन प्लस ए वन हो जाएगा। ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा, ये सर्किट इनेबल हो जाएगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट मेरा हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ओके,